हेलो गाइस ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जहां पीएचडी एच डी एग्ज़ाम के फॉर्म आ, स्टार्ट हो चुके हैं आप एप्लीकेशन 24 जून तक कर सकते हो यहां पर 19 सब्जेक्ट से आवेदन पत्र मांगे गए हैं यहां पर 137 सीट्स अवेलेबल है विथ आपको यहाँ पर फेलोशिप भी मिलेगा और आपको यानी इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किन सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है इसका आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा आप कहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो ये सब कुछ चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप जो भी इंटरेस्टेड है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर ये देखिए मैंने मैंने इस यूनिवर्सिटी की जो लिंक है ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी बॉक्स में दिए है वहाँ पर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे आपको जस्ट स्क्रोल करना है नीचे और यहाँ पर देख सकते हो आप पी एच एडमिशन 2024 और यहाँ से आप एडमिशन पोर्टल लिंक पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हो हम पहले देख लेंगे सी डेट क्या है इसका ओपनिंग वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप यानी स्टार्ट हो चुके हैं 20 मई से ही आपका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की ट्वेंटी फोर जून तक आप कर सकते हो देन आपका जो इंटरनल टेस्ट है ये तीन और चार जुलाई को होगा और इंटरव्यू आपका जो है सोलह सत्रह जुलाई को होगा तो इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया है उसके बाद बात करेंगे हम सीट्स अवेलेबल हैं केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर देखिए तीन सीट्स है और एक सीट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है फिज़िक्स के लिए यहाँ पर ग्यारह सीट्स अवेलेबल हैं और इंजीनियरिंग uh, फिज़िक्स के लिए दो सीट्स है विथ डी टी यू फिलो यानी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वहाँ पर आपको फिलोशिप भी देंगे स्टाइफन भी आपको वहाँ पर मिलेगा तो इस तरह से uh, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स बायो बायोटेक्नोलॉजी डिज़ाइन दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट उसके बाद है अपर सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर इक्कीस सीट्स है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप इकोनॉमिक्स है मैनेजमेंट है इंटरप्रीनियरशिप इनोवेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट जो जियो जियो इंफॉमेटिकन साइंस ऑफ हैप्पीनेस सेमी कंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर तीन सीट्स है इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर वन थर्टी सेवन सीट्स अवेलेबल हैं उसके बाद हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या रहेगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी ये कॉमन रहेगा ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ये आपको पाँच यूनिट रहेंगे टोटल फाइव यूनिट रहेंगे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च रिसर्च के यहाँ पर देखिए द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च ये सब कुछ यहाँ पर टॉपिक है उसके सब टॉपिक दैन यूनिट टू है रिसर्च डिज़ाइन उसमें आपका रहेगा मीनिंग नीड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन ये सब कुछ सब टॉपिक है उसके बाद है आपका यूनिट थ्री स्टैटिकल मेथड फॉर डाटा एनालिसिस इसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन रिसर्च मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिसन इस तरह से ये सब टॉपिक है यूनिट थ्री के यूनिट फोर आपका रिसर्च रिपोर्ट रहेगा यूनिट फाइव आपका आई रहेगा uh, टूल आई सी टी फॉर रिसर्च टूल ये फाइव यूनिट है और आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट दिया है उन्होंने केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में आपका uh, क्या क्या रहेगा देखिए यहाँ पर केमिकल प्रियोड प्रियोडिटी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड नॉन एक्वियो सॉल्व इस तरह से ये सब टॉपिक है बेस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैथमेटिक्स उसके बाद आई ओ पी सी नॉम क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस तरह से आपके सब कुछ जो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज उन्होंने यहाँ पर uh, सलेबस दिया है आप ये डायरेक्टली देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसका आप यहाँ पर देख सकते हो ट्वेंटी नाइनटीन सब्जेक्ट का यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है सिलेबस तो इसी बेसिस पर ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पर यानी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने कोर्स लॉन्च किए हैं आपको 50 50 परसेंट पूछा जाएगा 50 परसेंट आपका रिसर्च मैथडोलॉजी रहेगा और 50 परसेंट आपका सब्जेक्ट रहेगा इस तरह से आपको सिक्सटी क्वेश्चन रहेंगे सिक्सटी क्वेश्चन में से आपका थर्टी क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी रिसर्च मैथडोलॉजी से पूछा जाएगा ये सिलेबस पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न आपका उसके बाद आपको इस रिसर्च मैथोलॉजी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा आपको उसमें मिलेगा फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर टेन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विथ शॉर्ट नोट्स भी आपको इसमें दिया जाएगा टू थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज़ आपको uh, इसमें मिलेगा एम सी क्यूज़ रिविजन पी डी एफ एंड पी वाई क्यूज भी इंक्लूड रहेंगे इसमें ये जो कोर्स है यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेगा स्टडी मटेरियल इसका इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो कोर्स की फ़ीस है ओनली सिक्स नाइन्टी नाइन फीस है हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं आप अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स हमारे पास ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आप आपके पी में एडमिशन ले पाएंगे यानी आप जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्वालिफाइड कर जाऊँगे दैन सेकेंड सब्जेक्ट के भी हमारे पास नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर जैसे कि मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस कॉमर्स ये जो सब्जेक्ट है यानी यूनिवर्सिटी में इनमेंशन है इस सब्जेक्ट्स के यहाँ पर नोट्स स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसकी फीस ट्रिपल नाइन है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और डेमो देख सकते हो और कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स आपका फिफ्टी परसेंट यहाँ से कवर uh, हो जाएगा आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है फिफ्टी परसेंट यानी थर्टी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका पेपर वन एंड पेपर टू कंप्लीट कोर्स यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है अभी आप कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और भी हम आपका जो सेलेबस रहेगा सेलेबस कैसा रहेगा आपका सलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वो भी हम एक बार देख लेंगे सेलेबस एंड पैटर्न भी देख लेंगे हम एक बार स्टूडेंट्स नीचे आते हैं हम स्किप जस्ट वेट यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट दिया है रिसर्च एरिया ऊपर ये इसका सिलेबस सलेबस हम एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे आपका जैसे कि आपका जो रेट है फिफ्टी परसेंट होना चाहिए और जो जनरल कैटेगरी के होते स्टूडेंट उनका फिफ्टी परसेंट होना चाहिए फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए और फाइव परसेंट जो है कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाता है फाइव परसेंट जो सलेबस है जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया है एग्ज़ाम पैटर्न भी हम देख लेंगे फिफ्टी फिफ्टी ही है बट एक बार हम कंफर्म कर लेंगे और एक बार जस्ट वेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका और ये आपको जिस जिस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल <coughs> वेबसाइट की मैंने लिंक आपको मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाएंगे हम ये सब आपका जो सलेब सेलेबस है सलेबस दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप यानी ये नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पर ही है यानी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया था जैसे कि वैसे कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने पहले इसको रीड कर लिया था अभी मिल नहीं रहा है वो तो स्टूडेंट्स आपका जो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाला जो क्राइटेरिया है और नेट के बेसिस पर भी एडमिशन होंगे गए विद जे आर एफ वगैरह है आपका जे आर एफ है तो वहाँ पर आपको स्टाइफन नहीं मिलेगा जे आर एफ़ का डी टी यू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से ही आपका जो यानी फेलोशिप है उनका भी फेलोशिप आपको मिलेगा वहाँ पर जो है आपका फेलोशिप जे आर एफ नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी आपको स्टाइफन देती है तो इस तरह से स्टूडेंस यहाँ पर सिलेबस दिया था बट अभी वो हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है 19 मिनट का आपको ड्यूरेशन रहेगा, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपको और वेटेज उसका 70 परसेंट रहेगा, यहाँ पर देखिए 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट आपका रिसर्च मैथडोलॉजी रहेगा और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 50 परसेंट रहेगा तो इस तरह से आपका सेवेंटी परसेंट वेटेज जो है वो एंट्रांस टेस्ट को दिया जाएगा और थर्टी परसेंट इंटरव्यू वाइवा को दिया जाएगा तो इस तरह से आपका ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी देखिए एडमिशन यहाँ पर जो है जे आर एफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इनके लिए भी है विदाउट जे आर एफ जो है उनके लिए भी है और जो यानी जो अभी जून के एग्ज़ाम होंगे जो उनके जो एग्ज़ाम होंगे जो उनके रिज़ल्ट वगैरह आएंगे तो उसके बेसिस पर भी वो एडमिशन लेंगे जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कैटेगरी थ्री कैटेगरी हो गई है एक जे एक असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और एक ओनली पीएचडी के लिए भी अवेलेबल है अभी नेट में जिन जिन स्टूडेंट ने भरा है वहाँ पर फॉर्म तो उनको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है <coughs> अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेट में अच्छे स्कोर नहीं कर पाऊँगा तो आप भी ये भी फॉर्म भर सकते हो तो स्टूडेंट्स इस तरह से कैटेगरी थ्री तीन कैटेगरी के भी यहाँ पर एडमिशन होंगे जो नेट से स्टूडेंट आएंगे तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आपको एप्लीकेशन जो है मेन जो है यहाँ से आपको करना है यहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन वगैरह भरना है यह एप्लीकेशन का जो है एडमिशन का जो है ये पोर्टल है यहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है तो इस तरह से ये जो पूरा हमने डिस्कस किया अगर आपको अच्छा लगा आपको अगर अपडेट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कोर्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ज्वाइन कीजिए और आप आपके आप, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिए क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है टाइम का यूज़ कीजिए अच्छी तरह से और आपके जो इंटरेस्टेड है इच्छुक है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए तो वहाँ पर आप एडमिशन कर सकते हो थैंक यू धन्यवाद अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमें कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तो इस